हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है दिन मंगलवार और तारीख है 7/7। तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक होंगे। तो आज है 7 तारीख और आज जो है आज हमारी आज नहीं कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 6 तारीख को, और आज के दिन धाम थी। तो आज हमारी शादी को हो गए हैं 16 साल और 17वां लग पड़ा है। हमारी शादी हुई थी पाँच मई सन 1900 2007 में हुई। तो गाइस, आग भी लगाई है यहाँ पे, थोड़ी सी सफाई की थी तो ये सूख गए हैं, तो आग लगा दी है नूर के डैडी ने। और आज नूर का रिजल्ट भी निकल गया, 10वीं का। नूर के 565 नंबर आए हैं, फर्स्ट पोजीशन है और 80% नंबर हैं। तो मैं बता रही थी कि 5 मई को हमारे विवाह, हमारे यहाँ हिमाचल में ना शादी जो होती है वो 3 दिन होती है। एक दिन पहले दिन जो होते हैं जिसको हम मैंने बोलते हैं, उसमें मामा मामा वगैरह जो आते हैं वो आते हैं शादी वाले दिन, और दूसरे दिन जो है वो सुबह बुटना वगैरह वगैरह सांत वगैरह हल्दी वगैरह, तो हल्दी वगैरह लगती है, और दोपहर को सांत वगैरह होती है, हवन वगैरह करते हैं, और उसके बाद बारात का इंतज़ार होता है जो बेटी का विवाह होता है, और लड़के का विवाह जो होता है तो लड़का बारात मतलब दुल्हन वालों के घर आने के लिए तैयार होता है। और फिर उसके बाद फिर मामे जो होते हैं वो अपने मतलब लड़की के मम्मी डैडी के लिए कपड़े, पूरे परिवार वालों के लिए कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, और लड़की को भी कुछ सामान देते हैं, और उस सामान को मतलब कपड़े वगैरह और फिर ज्वेलरी कुछ वगैरह देते हैं, कई सोने की, कई नथनी वगैरह देते हैं, कई सोने की तीली वगैरह देते हैं मामे, और ऐसे वो करते हैं। और फिर रात को बारात आती है, और फिर लग्न वगैरह स्टेज वगैरह होती है। तो मैं बता रही थी हमारी शादी हुई थी 6 मई को, बारात थी, तो गर्मी का टाइम था, और उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा विवाह थे, मतलब उस मंथ में। तो 2007 में हमारी शादी हुई है, तो देखिए कैसा धुआं धुआं उड़ रहा है, मतलब कब 15-16 साल हो गए हमारी शादी को, पता ही नहीं चला। कुछ साल हम पठानकोट में रहे, पंजाब पठानकोट में रहे, और फिर उसके बाद घर आ गए, और अब यहीं पर ही रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हमारी शादी हुई हो। तो गाइस, हमारी शादी हुई थी मई महीने में, और उस टाइम प्रोर में बाबा जी का भंडारा भी था। तो हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, नई नई शादी होती है दूल्हा दुल्हन की, तो उस टाइम वो ना पहली बार धाम खाने किसी के घर जाते हैं, लेकिन यार ये मतलब शुभ शादी लगी हो वहाँ पे,
तो हम जो गए थे उस टाइम बाबा जी दादा स्वामी सत्संग पर और मैं बाबा जी का भंडारा था, तो उस टाइम हम वहाँ पे गए थे। तो ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई और शायद बीतते गए और आज 16 साल हो गए। तो कल जो था, कल थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी और आज के दिन तो 7 तारीख को तो धाम हुई थी, यानी कि 7 तारीख को मैं ससुराल में आई थी और फिर रीति रिवाज हुए, दुल्हन का घूंघट उठाया गया, मुंह वगैरह देखा गया, उसने सभी के पैरों को छुआ और हमारे यहाँ बहुत ही रीति रिवाज होते हैं वो सब किए। और फिर शाम को मैं फिर वापस चल गई। और गाइस मैं आपको बताऊं कि मेरा ससुराल जो है ना वो मेरे मायके से 5 मिनट का रास्ता है, मतलब चलकर जाना हो और अगर बाइक गाड़ी में जाना हो तो 1 मिनट के अंदर ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हमारे घर वालों ने बोला था कि ये छोटी छोटी लड़की है तो इसकी शादी हम नज़दीक करेंगे। तो हम जो है हम 3 बहनें हैं, मेरे से 2 बड़ी हैं और मेरा 1 भाई है और मैं हूँ चौथे नंबर की, मतलब दो पहले एक बड़ा भाई, पहली बड़ी बहन और उसके नंबर दूसरे नंबर में भाई और उसके बाद मेरे से बड़ी बहन और चौथे नंबर में मैं छोटी, सबसे छोटी हूँ। तो आज सब एक किस्म के अपने अपने घर में हैं। छोटे होते थे तो लड़ाई झगड़ा करते थे और अब मिलने के लिए तरस जाते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 6:30 से ऊपर टाइम हो गया और अब गाय से दूध निकालना है और फिर घर को जाना है। तो गाइस आग भी बुझ चुकी है, थोड़ी थोड़ी लगी है। तो देखिए इनको, यहाँ पे बांस जो है ना, ये बांस है सामने, इसको हम पहाड़ी भाषा में बैंज भी बोलते हैं। इसकी पतरैन, ये पतरैन जो है ना ये बोलते हैं, ये इसके पत्ते हैं, पहाड़ी भाषा में पतरैन बोलते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत फैल गई और फिर इन्होंने नीचे थोड़ी सी आग लगा दी है। तो अब मैं चलती हूँ गाय के पास फिर। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू।